Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। शैल, तुम रचना की सास से मिलने गई थी? जी गए थे, हम जानते थे आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक माँ होने के नाते हमने सोचा कि कम से कम बात करके तो देखें, शायद वो रचना के कॉलेज की पढ़ाई के लिए मान जाए। अच्छा किया जो तुम वहां गई। उनका फैसला सुनकर रचना का चेहरा अचानक खिल गया, नहीं? हाँ, बहुत दिनों बाद उसे हंसता हुआ देख रहे हैं। अब वो ठीक से खा पी भी रही। उसकी सास को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो रचना के कॉलेज जाने के लिए राजी हो जाएंगे। औरत अपने जिंदगी के फैसले खुद कब लेगी? क्या वो ऐसे ही हमेशा बंधनों में, रीत रिवाजों में बंधी रहेगी? आपने तो हमें अचानक काफी चौंका ही दिया। कपड़े बदल कर। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं। चल चलकर पैर छू लो। खुश रहो। नमस्ते। 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 आप हमें बुला लेते, हम आ जाते आपके पास। आपने क्यों तकलीफ की? अरे बहन जी, आगे तकलीफ ना हो इसलिए हम चले आए। आपने हमसे बात की रचना के कॉलेज के पढ़ाई के बारे में, हमने जस्ट हाँ तो कह दी, लेकिन लगता ये ना बोलने आई है। हम जस्ट एक बात क्लियर करना चाहते हैं। हमारे खानदान की लड़कियां कॉलेज तो जाती नहीं हैं। लड़की का एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ होना जरूरी है, और हमें नहीं लगता कि इसके लिए कॉलेज जाना जरूरी है। हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, लड़की अकेली कॉलेज नहीं जाएगी, कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग उसके साथ जाएगा। आज के जमाने में किसी पर विश्वास नहीं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। दूसरी शर्त, लड़की सीधी क्लास से घर आएगी। रास्ते में ना किसी से बातचीत, ना किसी से यारी दोस्ती, और लड़कों से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भगवान जाने कौन कैसा बदमाश गुंडा हो। ठीक है बेटा, क्लास से सीधे घर वापस। तीसरी शर्त, ये घर में जैसी सीधी सादी सिंपल है वैसे ही तैयार होकर कॉलेज जाए। नो मेकअप, नो तड़क भड़क वाले कपड़े। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, लड़की अगर कॉलेज में सब्जेक्ट लेगी तो होम साइंस।
सिर्फ होम साइंस। चलिए शर्वन जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। शुक्रिया, हमें इजाजत देकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे नहीं बहन जी, हम तो जस्ट चाहती हैं कि हमारी इज्जत का ख्याल रखा जाए, बस। प्रणाम। प्रणाम। शैल, क्या सोच रही हो? इतनी सारी शर्तें, ऐसी पाबंदियों के नीचे हमारी रचना तो दस जाएगी जी। जी ताऊ जी, वो मैं सोच रहा था कि आज के दिन चाची लोग को भी किचन से छुट्टी मिल जाएगी और हम सब के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्लीज ताऊ जी, ये ट्रीट मेरी तरफ से रचना और गुंजन के इतने अच्छे मार्क्स से पास होने की खुशी में। ठीक है, आज रात का खाना हम बाहर खाते। हाँ, अब कुंजन, हमने तो तय कर लिया कि हम क्या पहनने वाले। क्या जीन्स? अरे वो तो सपने में भी पहनना अलाउड नहीं है। ये देखो, हम ये लाल रंग का सूट पहनेंगे जो हमने बिट्टू मामा की शादी में पहना था। रचना, तुम ठीक तो हो ना? शादी वाला सूट? हम सिर्फ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम ये शादी के कपड़े पहनने का क्यों सोच रही हो? अरे गुंजन, मौका ही ऐसा है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सब एक साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं। रियली? तुम लोग पहले कभी बाहर खाना खाने नहीं गए? आई डोंट बिलीव इट। अरे जाने की तो दूर, कभी सोचा तक नहीं। ठीक है, फिर तो ये लाल सूट पहनना बनता है एंड फोटोज खींचने का भी। रचना, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना। अब तो तुम कॉलेज गोइंग गर्ल हो गई हो, फैमिली डिनर पे जा रही हो, एकदम चकास बन के जाना। हाँ, चकाचक। रचना बेटा, ये मत पहनो, कोई और पहन लो। पर क्यों चाची जी? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी सास ने क्या कहा था कि शादी से पहले लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं? ये बहुत चटकीला है, इसे रहने दो। बाप रे, कपड़े पहनने में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। रचना, इस घर में सब ना आर्मी रूल में रहते हैं। छोड़ो ना गुंजन, जो कह रहे पहन लेते हैं, ये तो सबका मूड खराब। व्हाटएवर, मुझे तो तुम्हारा मायका, ससुराल सब एक जैसा लगने लगा है। कम से कम यहाँ कोई हमें हिस्ट्री लेने से तो नहीं रोक रहे ना? उन्होंने तो हमें शर्त ही रखी है कि सिर्फ होम साइंस, लेकिन हमें नहीं पढ़ना होम साइंस। तो मत पढ़ना। नहीं नहीं गुंजन, वो तो कितना जोर देकर गई है कि सिर्फ होम साइंस। अरे रचना चिल, उन्हें कैसे पता चलेगा तुमने कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए? जासूसी थोड़ी ना करेंगी तुम्हारी। एंड मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। गुंजन दीदी को व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स बहुत पसंद है। अरे वाह, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कॉलेज जाएगा कोई और, पैसे उड़ाएंगे हम। अरे ये भी कोई तुक है भला? माँ किससे बात कर रही हो? अरे तुमसे और किससे? अरे बेटा, इतने बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है? अरे जब इतना सारा बिल आएगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। माँ तुम साथ में चल रही हो ना? हाँ, क्यों? कुंजन, अच्छे तो लग रहे हैं। अरे बिल्कुल सुपर्ब लग रही हो तुम। लगता है दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई। किसको दुल्हन बुला रही हो? सबको, चाचा चाची डोलू सबके सब सजने में इतना बिजी हो गए ना कि भूल गए हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, किसी की पार्टी में नहीं। क्यों, कैसे लग रहे हैं हम? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल दूल्हे की तरह, सिर्फ सहरे की कमी है। और हम कैसे लग रहे? एकदम फिल्म के हीरो। अरे वाह, यहाँ तो पूरी की पूरी बारात की तैयारी है। मान गई ना हम बनारस वालों को? अबे, दोनों के बच्चे कहाँ चल रहे?
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।